दसवीं जमात और इंटरमीडिएट ये दोनों एक तलबा के ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं, इसलिए कि जो मार्क्स यहाँ हासिल होते हैं इसके बुनियाद पर आइंदा चलकर कौन से कोर्सेस लेना है, इनको कौन से कोर्सेस में दाखिला मिलेगा, इस बात तय हो ये बात तय होती है। तो इसलिए टिमरिस में हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं 10th के और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के लिए। इंटर के एग्ज़ाम्स तो शुरू हो चुके हैं, अब तक 2 पेपर्स मुकम्मल हुए हैं इनके। जहाँ तक मैं जायज़ा लिया हूँ इन बच्चों से, यहाँ पर दोनों पेपर अच्छे गए हैं इनके। हर एक को कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ ये 2 एग्ज़ाम्स कम्प्लीट करेंगे और 2 दिन के अंदर फिर ग्रुप्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्रुप्स में जो मार्क्स मिलते हैं उससे इनका हौसला अफजाई भी होता है। अच्छे मार्क्स अगर मिल गए तो उसके बुनियाद पर इनकी तैयारी जो नीट के लिए एमसेट के लिए होती है वो भी अच्छी तरह होती है। टिमरिस की तरफ से तो हम लोग कम से कम 4-5-6 महीने से इनके लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस, सुपरवाइज्ड क्लासेस ये सब चला रहे हैं। अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, लेक्चरर्स हैं, स्टडी मटेरियल भी फराहम किया गया है, बेहतरीन स्टडी मटेरियल है इनके पास। ये जो अच्छी टीचिंग है साथ ही साथ अच्छा मटेरियल है और बच्चे भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि नतीजे बहुत बेहतर होंगे। गुज़िश्ता साल इससे पहले साल भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास, तो इससे भी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। हर साल इसमें अफजाई होती जाएगी और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो यही बात है, जो वोकेशनल कोर्सेज के तलबा जो हैं उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और इनके 3 पेपर्स बहुत ही अहम हैं। ये पेपर्स में मार्क्स आने के बाद जो नॉलेज इनका नॉलेज बेस बनता है उसके बुनियाद पर हैदराबाद में जो इंडिया का मेडिकल सेंटर कहलाता है, यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड है इधर। ऐसे टेक्निकल कोर्सेस में भी माहिर वर्कशॉप्स में हो और बड़े बड़े शोरूम्स में, यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि वोकेशनल कोर्सेज जो करके बाहर निकल रहे हैं, एयर कंडीशनिंग हो, मैकेनिकल हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी में, इनके लिए भी अच्छे जॉब्स के रास्ते खुले हुए हैं, इनके वहाँ भी ये अच्छे अच्छे पोजीशंस हासिल कर पाएंगे। टिमरिस के तरफ से, हम सब के तरफ से इनको हम मुबारकबाद देते हैं और इंशाल्लाह आइंदा चलकर आइंदा एग्ज़ाम जो बाकी हैं इसमें भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये उम्मीद करते हैं और इसी बात की दुआ भी करते हैं।